मंगलवार को थाना महावन पर उप जिला अधिकारी, क्षेत्र अधिकारी और तहसीलदार ने क्षेत्रीय लोगों के साथ बैठक की, जिसमें आगामी त्योहार होली और चुनावों को लेकर चर्चा की गई। मंगलवार की सुबह महावन थाने पर उप जिला अधिकारी हनुमान प्रसाद मौर्य और क्षेत्र अधिकारी प्रबल प्रताप सिंह और तहसीलदार पीपी पाठक द्वारा महावन थाने पर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में महावन और गोकुल के लोगों को एकत्रित कर आगामी चुनावों को लेकर और होली को लेकर बातचीत की गई। उपजिला अधिकारी हनुमान प्रसाद मौर्य द्वारा क्षेत्रीय लोगों को होली पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की और लोगों को निर्देशित किया कि शराब पीकर उत्पात न मचाएं, होली पर्व को शांति से मनाएं। वहीं लोगों द्वारा क्षेत्र में हो रही गंदगी के संबंध में एसडीएम से शिकायत की गई, जिस पर उपजिला अधिकारी ने ईओ महावन को नगर में सफाई कराने के आदेश दे दिए हैं। किस संबंध में ये होली त्योहार को लेकर के पावन, जिसमें हमारे यहाँ महावन से भी लोग हैं और इसमें गोकुल से भी, इन लोगों से भी मैंने सुझाव दिया कि कहीं ना कोई ध्यान देने की चीज़ें होती है। साथ ही हमने अपनी ओर से भी इन सभी लोगों को सलाह दिया है कि सब लोग आपसी सौहार्द के साथ होली त्यौहार को मनाएं, किसी तरह का ऐसी कोई चीज ना करें जिससे दूसरे को कष्ट पहुंचे और कोई आपसी विवाद की स्थिति। हमने ईओ को भी बता दिया है कि अपनी साफ सफाई देखवा लें, पानी की प्रॉपर सप्लाई रखें और चूना वगैरह का छिड़काव कर लें और सतत निगरानी रखें। कुछ समस्या रखी सर, कुछ बात रखी कोई समस्या नहीं बताएंगे। लोगों ने बताया कि इसके पहले भी बहुत शांति से त्यौहार मनाया जाता रहा है और पुनः शांति से त्यौहार मनाया जाएगा, इस तरह से लोगों ने आश्वस्त किया है।